हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 11th का मैथमेटिक्स, और लैंग्वेज तो बाइलिंगुअल होता है। मैथ्स का क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, और हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चल रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मैंने शुरुआत कर दिया था। ट्रिग्नोमेट्री के शुरुआत में मैंने मेजरमेंट ऑफ एंगल, कोणों की माप पर आपसे डिस्कस किया था, और आज हम एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री के मेन पार्ट पर एंट्री करेंगे। और आज जो कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ वो आप बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट मैथ्स है, और यह कम्प्लीटली आपको 12th क्लास में कैलकुलस को सपोर्ट करेगा। ट्रिग्नोमेट्री बहुत यूजफुल मैथमेटिक्स है, और 11th क्लास का एक मेजर पोर्शन ट्रिग्नोमेट्री है, इसलिए आपको उसको शुरू से बहुत ध्यान से पढ़ना है। वैसे भी आप ट्रिग्नोमेट्री को आप 9th-10th क्लास में, कुछ बोर्ड में 9th क्लास से ही, कुछ बोर्ड में जैसे CBSE बोर्ड वगैरह में 10th क्लास से अपन इसको पढ़े रहते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आज जो बात करूँगा, एक सामान्य कॉन्सेप्ट जो आप पहले से पढ़े हुए हैं उसको एक बार रिवाइज करूँ मैं फटाफट दो मिनट में। तो त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में हम समझते हैं कि यह क्या होता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्राइंगल पर हम अप्लाई करते हैं, समकोण त्रिभुज पर अप्लाई करते हैं, ये एक ऐसा मैथमेटिक्स है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम आगे चल के जब साइन फार्मूला वगैरह पढ़ते हैं तो हम और तरह के भी ट्राइंगल्स में इसको यूज़ करते हैं, आगे हम आपको बताते जाएंगे। फिलहाल हम बात करें समकोण त्रिभुज पर। तो समकोण त्रिभुज आपको पता है एक ऐसा त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। ये है ट्राइंगल ABC। एक जनरल इंट्रोडक्शन पर मैं बात करूं, भले ही हम पहले पढ़े हुए हैं लेकिन मैं शुरुआत वहां से करूं और फिर अपन 11th स्टैंडर्ड में एंट्री करेंगे। तो यहां पर आप देख रहे हो ABC एक समकोण त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री है। तो इस समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का, तीनों साइड्स के जो नाम होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं। 90 डिग्री का सामने वाला जो भुजा होता है, जो साइड होता है, जो सबसे लंबी भुजा है आप यहाँ पर देख रहे हो, इसको बोला जाता है कर्ण, ठीक है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कहा जाता है कर्ण, और हम उसको कैपिटल एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी, इंग्लिश मीडियम वाले भी, एच फॉर हाइपोटेनियस। इसके बाद आपके दो और भुजा बच जाते हैं, टू साइड्स और बच जाते हैं, जिसमें से एक लंब है, परपेंडिकुलर है, और एक आधार है, बेस है। अब यहाँ पर आप देखो कि दोनों में किसको हम परपेंडिकुलर कहें और किसको हम बेस कहें, तो यहाँ पर डिटरमाइन नहीं किया जा सकता जब तक हम किसी एंगल के बारे में बात ना करें। जैसे सपोज इस एंगल को मैं यदि थीटा कह दूँ, यदि मैं थीटा कह दूँ यहाँ पर, तो जैसे ही इस थीटा के लिए मैं बात करूँगा तो थीटा का जो सामने वाला, अननोन एंगल के सामने वाला जो होगा, ये लंब हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आधार बेस। इस प्रकार से ये बेस हो जाएगा, क्लियर। लेकिन सपोज मैं इसको थीटा कह दूं, मान लो इसको अल्फा कह दूं, या इस एंगल के बारे में बात करूं, तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान में रखना, बहुत से स्टूडेंट यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन लंब होगा कौन आधार होगा। तो जिस एंगल के बारे में बात किया जाएगा, जिस एंगल का हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड करेंगे, उसका जस्ट सामने वाला जो साइड होगा, उसका अपोजिट साइड होगा, वो लंब होगा। तीसरी भुजा जो बच जाएगी वो क्या होगा, बेस होगा, आधार होगा। इस आधार पर इसके भुजाओं में जो अनुपात निकाला गया, जिसको बोलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, निष्पत्ति भी कहते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, त्रिकोणमिति अनुपात। तो यहाँ पर इसके भुजाओं में जो अनुपात होता है उसको अलग अलग नाम से यहाँ पर बताया गया, जिसमें सबसे पहले साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, हिंदी में ज्या बोलते हैं उसको। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है क्या, पहले से जानते हो, लंब बटे कर्ण। यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म में सबको लिख रहा हूँ, ठीक है। ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है। इसको त्रिकोणमिति अनुपात रेशियो इसलिए कहा जाता है क्योंकि टू साइड्स के रेशियो हैं। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशियो है उसको क्या बोला गया, साइन थीटा बोला गया।
इसके बाद हम देखते हैं क्या cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस अपन हाइपोटेनियस ये। इसके बाद थर्ड नंबर में हम क्या देखते हैं tan थीटा, तो tan थीटा एक्चुअल में क्या है देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखना कि ये जो sin थीटा और cos थीटा है ये मूल त्रिकोणमिति निष्पत्ति है, ठीक है, अनुपात या निष्पत्ति भी कहते हैं इसको हिंदी में, मतलब ये फंडामेंटल या बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है साइन थीटा और कास थीटा और बाकी डिराइव्ड है, डिराइव्ड है मतलब साइन थीटा से बाकी क्या हुए हैं पैदा हुए हैं उत्पन्न हुए हैं। तो साइन थीटा कैसे बनाया गया, टेन थीटा कैसे बनाया गया, साइन थीटा में डिवाइड कर दिया गया किसको कास थीटा को, साइन थीटा में कास थीटा को डिवाइड करने से एक नया ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मिल गया जिसको टेन थीटा कहते हैं, और साइन थीटा में कास थीटा को डिवाइड करें तो हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा पी अपान बी मतलब परपेंडिकुलर अपान बेस। इस प्रकार से टेन थीटा साइन और कास के हेल्प से पैदा हुआ, मतलब ये दोनों जो रेड इंक से मैंने बॉक्स किया है वो मूल त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है, प्रिंसिपल बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है और बाकी डिराइव्ड है उनसे पैदा हुए हैं। फोर्थ नंबर में हम देखें तो क्या आता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा कैसे बना, कास अपान साइन, कास थीटा में साइन थीटा को डिवाइड किए तो कॉट माना गया उसको, और चूंकि साइन अपान कास का उल्टा है रेसिप्रोकल है तो वन अपान इसको टेन थीटा भी कह सकते हैं, और चूंकि इसका रेसिप्रोकल है व्युत्क्रम है तो इसको बेस अपान परपेंडिकुलर कह सकते हैं। इस प्रकार से देखो ये जो कॉट थीटा है वो भी साइन और कास से पैदा हुआ है, सब के सब साइन और कास से उत्पन्न हुए हैं। अब आप देखो इसलिए व्युत्पन्न है, नेक्स्ट नंबर में अपन लिखें सेक थीटा, तो इसका जो रेसिप्रोकल होता है वन अपान कास थीटा, तो वन अपान कास थीटा के रेसिप्रोकल को हम सेक थीटा कहते हैं, और इसका रेसिप्रोकल हम बनाएंगे तो हाइपोटेनियस अपान क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। और सिक्स नंबर को हम बात करें तो हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू इसका इनवर्स, तो वन अपान साइन थीटा और वन अपान साइन थीटा, तो एच हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। तो ये सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं जिसमें दो बेसिक हैं और ये इससे उत्पन्न होते हैं, ठीक है। मैं एक कॉमन लैंग्वेज में आपसे बात करूं तो ऐसा कर सकते हैं कि ये सिक्स लोगों की फैमिली है, छः लोगों का परिवार है, इसमें ये मम्मी पापा हैं, इनके मदर फादर हैं, ये उनके चाइल्ड हैं बच्चे हैं, इन्हीं से पैदा हुए। ऐसा डिस्कशन मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि आगे चल के जब मैं आपको इसकी आइडेंटिटी बताऊंगा त्रिकोणमिति सर्व समीका को जब हम सिद्ध करेंगे तो उसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमको उसको कन्वर्ट करना चाहिए। देखो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा मैथमेटिक्स है जो कम्प्लीटली फार्मूला पर बेस्ड है, इसमें फार्मूले बहुत हैं। एक स्टूडेंट यदि फार्मूला अच्छे से लर्न कर ले और इसमें एक क्वेश्चन कई कई मेथड से बनते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलस ये सब ब्रेन यूज़ करने वाला बहुत शार्प ब्रेन यूज़ करने वाला मैथमेटिक्स है। एक क्वेश्चन आपका 20 स्टेप चला जाएगा तो कोई इसको 10 स्टेप में बना सकता है, कोई 12 स्टेप में बना सकता है, क्योंकि इसमें फार्मूले बहुत हैं। अब फार्मूले बहुत हैं तो हम अलग अलग फार्मूला को यूज़ करके हम उसको बना सकते हैं। देखो आपस में सबका रिलेशन है, कोई टेन थीटा से बना रहा है तो कोई इसको काट से भी बना सकता है। इस तरह से सूटेबल फार्मूला यूज़ करने से क्वेश्चन आसान होता है, और ये सब टेक्निक से आता है, प्रैक्टिस से आता है, तो धीरे धीरे वो सब आप में डेवलप हो जाएगा। तो ये हैं सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। अब यहाँ पर देखो जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें जो यूज़ होता है वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस का प्रमेय, ठीक है। अब ये सब तो हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, साइंटिस्ट का नाम है, सब हिंदी मीडियम। देखो मैथमेटिक्स के क्लास में हिंदी इंग्लिश का कुछ मतलब नहीं है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को भी कंप्लीटली इंग्लिश पर डाइवर्ट होकर पढ़ना चाहिए। वैसे तो मैं दोनों लैंग्वेज में बताता हूँ सब, फिजिक्स की बात अलग है। तो पाइथागोरस नाम के साइंटिस्ट ने क्या थ्योरम दिया, उन्होंने बताया कि ये तीनों जो इसके साइड्स हैं इसमें जो सबसे बड़ा साइड का स्क्वायर जो होता है, मतलब हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वह बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, यह कहलाता है पाइथागोरस थ्योरम। यदि हम इसको भुजाओं के फॉर्म में लिखें तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है बी सी, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, देयरफॉर ए सी इक्वल टू इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है रूट ऑफ बी सी स्क्वायर। खैर वो तो आप समझ सकते हैं, रूट में भी लिखने की जरूरत नहीं, ऐसा बना सकते हैं। ये है पाइथागोरस का थ्योरम, ये पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है। पाइथागोरस थ्योरम के बेस पर, पाइथागोरस थ्योरम के बेस पर तीन रिलेशन बनाए गए, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, त्रिकोणमिति सर्वसमिका।
तो त्रिकोणमिति सर्वसमीका समझाने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिकल जो आइडेंटिटीज़ है वो क्या होते हैं। ये जो बात बता रहा हूँ बहुत ध्यान से समझना। एक है, मैथमेटिक्स में तीन तरह के रिलेशन होते हैं, मैथमेटिकल रिलेशन। ये जो गणितीय संबंध है मैं कुछ ऐसे चीज पर डिस्कस करने जा रहा हूं जो आपको हायर क्लास में भी काम आएगा, और बहुत ध्यान से समझना। मैथमेटिकल रिलेशन, ये मैथमेटिकल रिलेशन थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है सर्वसमीका, सर्वसमीका हिंदी में इसको बोलते हैं आइडेंटिटीज। या आइडेंटिटी। सेकंड इज समीकरण, समीकरण इक्वेशन। एंड थर्ड इज असमीका। ये जो मैं बता रहा हूं कभी नहीं भूलना, आपको मैथमेटिक्स में हमेशा काम आएगा। मैं चाहता तो सिर्फ ये बता के काम चला लेता मैं, लेकिन डीप मेरा हमेशा से ये मानना है कि किसी भी टॉपिक पर बात करो तो इतना डिटेल में बात करो कि कंप्लीट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। असमीका मतलब होता है इनइक्वलिटीज, ये तीन चीज, तीन जो रिलेशन होते हैं ये हैं क्या। मैथमेटिक्स में तीन तरह के रिलेशन होते हैं, सर्वसमीका, समीकरण और असमीका, आइडेंटिटीज, इक्वेशन एंड इनइक्वलिटीज। तो ये हमको समझना है कि भाई किस तरह के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री का ही एग्जांपल देके या कुछ एलजेब्रा के भी रिलेशन का एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा। देखो सर्वसमीका, मैं यहाँ पर एक रिलेशन लिखता हूँ, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, जो आगे हम अभी पढ़ने वाले हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ये मैंने एक रिलेशन लिया। मैं यहाँ पर एक रिलेशन लिखता हूँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू वन, ये रिलेशन मैंने एक यहाँ पर लिखा नीचे में, ट्रिग्नोमेट्री का ही एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। और मैं यहाँ पर लिखा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू टू, ये मैंने लिखा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू टू। ये आप तीन तरह के संबंध देख रहे हो, जिसमें से पहला संबंध आइडेंटिटीज है, सर्वसमीका है। एक बात बहुत ध्यान से समझना कि मैं मैथमेटिक्स के इतने गहराई पर आपसे बात कर रहा हूँ कि हो सकता है मे भी इस तरह की चीज़ें आपको बुक्स में भी प्रॉपर ना मिले, इसलिए चीज़ों को बहुत ध्यान से, बहुत कंसंट्रेशन से समझना है। और हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखना कि मेरे दोनों सब्जेक्ट मैथ्स और फिजिक्स में कमांड करने का एक ही तरीका है कि आप चीज़ों को सूक्ष्मता से, कॉन्सेप्ट को बहुत गहराई से आप समझो तो सब्जेक्ट आपका बहुत कमांड होगा, और वो फारी भर आपको पूरे ज़िंदगी भर वो काम आने का है, वो बहुत मेहनत से, बहुत अध्ययन से सब पता चलता है। ठीक है, तो ध्यान से समझना। तो तीनों रिलेशन का मैंने ना अलग अलग नाम लिखा है। इसको मैंने लिखा है सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, सर्वसमीका। असमीकरण साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू वन, क्योंकि आगे चल के आप त्रिकोणमिति समीकरण भी पूछोगे, फिर मेरे को आपको अलग से बताना पड़ता कि भाई त्रिकोणमिति समीकरण होता क्या है। इसलिए मैं स्टार्टिंग से ही बेस को क्लियर करके चल रहा हूँ, और ये है असमीका। तो तीनों अलग अलग रिलेशन हैं, और तीनों में आप क्या खास बात देख रहे हो ये थोड़ा ध्यान से सुनना। ये पहले संबंध में यदि मैं थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री रख दूँ, ओरल बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, यदि मैं थीटा इक्वल टू जीरो रख दूँ, यहाँ थीटा इक्वल टू जीरो रख दूँ यदि इस रिलेशन में, तो साइन जीरो जीरो होता है, ये जीरो हो जाएगा, और कॉस जीरो वन होता है तो प्लस वन हो जाएगा, और दैट इज इक्वल टू वन, जो कि सही है। मतलब थीटा इक्वल टू जीरो के लिए यह दिया गया संबंध सत्य है, यह क्लियर है बात। अब मैं क्या किया, साइन थीटा इक्वल टू सपोज मैं 30 डिग्री रख दिया, यह तो क्लियर ना। अब सपोज मैं साइन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री रख दिया, यहां पर थीटा इक्वल टू 30, तो साइन 30 कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, और प्लस कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2,
रूट थ्री बाई टू, तो रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर थ्री बाई फोर, थ्री बाई फोर। और देखो वन बाई फोर प्लस थ्री बाई फोर को सॉल्व करोगे कितना आएगा वन, मतलब यह भी सत्य है। इसी प्रकार यहाँ पर आप 60 डिग्री रखो, 90 रखो, दुनिया में जितना एंगल आपके पास है, आप जितने प्रकार के एंगल जानते हो इस रिलेशन में रखो तो वह हमेशा वन ही आएगा। दैट मीन्स द गिवन रिलेशन इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, द गिवन रिलेशन इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द थीटा, दिया गया संबंध थीटा के हर मान के लिए सत्य है, अतः वह एक सर्वसमीका है। बात क्लियर? तो सर्वसमीका का मतलब होता है ऐसा संबंध जिसमें यदि हम वेरिएबल का, किसी चर राशि का, मैं इतना डीपली डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत बार क्या होता है, क्या बना रहे हो सर, आइडेंटिटीज प्रूफ कर रहे हैं, सर्वसमीका बना रहे हैं, निम्न सर्वसमीकाओं को सिद्ध करो, दिए गए सर्वसमीका, 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 पूछ दिया भैया सर्वसमीका, पता नहीं सर्वसमीका क्या होता है, लेकिन एक क्वेश्चन को मैं प्रूफ करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को लेता हूँ और राइट हैंड साइड को लाता हूँ, रूल्स क्या है पता नहीं, रूल्स पता नहीं, कभी हम, कभी कोई टीचर लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करके किसी सर्वसमीका को कुछ कुछ करके प्रूफ कर दिया, हाँ प्रूफ हो गया, ऐसा नहीं है। सर्वसमीका प्रूफ करने के कुछ स्पेशल रूल्स हैं जो मैं अभी आपको आगे डिस्कस करूंगा। पहले तो यह समझो, पहले लैंग्वेज समझो कि सर्वसमीका है क्या। तो बात क्लियर आपको, सर्वसमीका एक ऐसा संबंध होता है जो चर राशि के, यहाँ पर चर राशि वेरिएबल हमारे पास थीटा है, तो चर राशि के सभी मानों के लिए जो सत्य होता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वसमीका कहते हैं। ये है आइडेंटिटीज। अब चलो हम आते हैं किस पर, समीकरण पर। देखो समीकरण पर यदि मैं थीटा इक्वल टू जीरो रख दूँ, थीटा इक्वल टू जीरो, तो साइन जीरो जीरो और कास जीरो वन, तो जीरो प्लस वन वन, सही बात है ये, जीरो प्लस वन सही है ये, मतलब थीटा इक्वल टू जीरो के लिए यह रिलेशन सत्य है। अब मान लो मैं थीटा इक्वल टू, जैसे ऊपर के जैसे यहाँ पर 30 डिग्री रख दूँ, यदि इसका वैल्यू मैं 30 डिग्री रख दूँ तो 30 डिग्री रखने से क्या हो जाएगा, साइन 30 क्या हो जाएगा वन अपॉइंट टू, और प्लस कास 30 हो जाएगा रूट थ्री अपॉइंट टू, और देखो ये दोनों का योग कभी भी एक नहीं हो सकता, मतलब 30 के लिए यह रिलेशन सत्य नहीं है। देखो कैसे गड़बड़ हो गया, यह थीटा के सब मान के लिए सही है और समीकरण जीरो के लिए सही था, 30 के लिए फेलियर हो गया वो। दैट मीन्स समीकरण का मतलब क्या होता है, ऐसा रिलेशन जो थीटा के या चर राशि के कुछ विशेष मानों के लिए, ऐसा नहीं कि जीरो बस के लिए, और किसी के लिए भी होगा, लेकिन फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यूज, इफ द गिवन रिलेशन इज ट्रू फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ द गिवन रिलेशन, गिवन वैल्यूज, देन द रिलेशन इज इक्वेशन। यदि कोई संबंध थीटा के कुछ विशेष मानों के लिए सत्य हो तो क्या कहलाता है, वो समीकरण कहलाता है। क्लियर? और असमीका तो बहुत ऊपर के लेवल का चीज़ है, अभी आपको 11 12 में असमीका प्रूफ भी नहीं करना है, एक आध जगह कभी यूज़ हो जाता है, लेकिन नाम जानना चाहिए। और इसको पहचानने का तरीका है जिस संबंध में ग्रेटर देन या लेस देन का साइन लगा हो, देखो ये दोनों संबंध में इक्वल का साइन लगा है, इक्वल इक्वल, लेकिन यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है, तो ऐसा कोई भी संबंध मैथमेटिक्स का, ऐसा कोई भी रिलेशन जिसमें बड़ा है ग्रेटर देन या छोटा है लेस देन का साइन लगा हो, वह सब क्या कहलाता है, असमीका कहलाता है, इन इक्विलिटीज कहलाता है। तो आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे संबंधों को पहचानने में कि क्या संबंध है, कि यह आइडेंटिटीज हैं, कि इक्वेशन है, कि इन इक्विलिटीज है। अब हमको पूरे चैप्टर में सर्वसमीका ही पढ़ना है, इसलिए मैंने इसको आपको डीपली डिस्कस किया। क्लियर? तो ये हमारा हुआ ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन, इसके 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज एंड पाइथागोरस थ्योरम एंड व्हाट इज द मैथमेटिकल रिलेशन, आइडेंटिटी, इक्वेशन एंड इनइक्विलिटीज। अब हम यहाँ पर कुछ त्रिकोणमिति सर्वसमीकाओं के बारे में बात करेंगे, ठीक है? चलिए तो मैं यहाँ से बीच वाले पोर्शन को इरेज करता हूँ, क्योंकि इसका तो अभी मुझे ज़रूरत पड़ेगा, और उस रिलेशन को भी इरेज करता हूँ। इन चीज़ों को आपको, देखो मैथमेटिक्स का PDF मैं प्रोवाइड नहीं कराता, ना इसका ज़रूरत है, मैथमेटिक्स का नोट्स स्टूडेंट को खुद से बनाना चाहिए, फिजिक्स की बात अलग है। इसलिए आप लोग क्लास में ध्यान से पढ़ो, मेरे लेक्चर को बोर्ड से नोट करो, मैं आपको स्क्रीन शॉट के लिए भी टाइम दे दूंगा, और नोट्स खुद से बनाओ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद करो। हाँ, जितने स्पेशल क्वेश्चन का कलेक्शन का प्रैक्टिस मैं क्लास में कराता हूँ उसको ज़रूर नोट डाउन करो, क्योंकि मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन कराता हूँ वो लिमिटेड और स्पेशल कलेक्शन है, क्रीम कलेक्शन है वो, इसलिए उनको तो आपको, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ऑर्डिनरी क्वेश्चन आपको बताऊंगा, मैं क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से आपको प्रोवाइड कराता हूँ, बाकी इजी क्वेश्चन आप
खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। ओके चले फिर आगे, अब हम पढ़ते हैं त्रिकोणमिति सर्वसमीका कि कितने त्रिकोणमिति सर्वसमीका अपने पास हैं। ये सर्वसमीका सब क्या है, सूत्र है, इनको आप सूत्र भी कह सकते हो ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, ये सूत्र है, वो सूत्र ही सर्वसमीका है। ध्यान रखना सर्वसमीका को हम सूत्र भी कह सकते हैं। सूत्र क्यों कह सकते हैं, फार्मूला, क्योंकि हमेशा सत्य है, वो हर जगह सत्य है। मैं बोला कि थीटा के हर मान के लिए सत्य है, तो सूत्र बन गया ना वो। चलिए अब अपन बात करते हैं त्रिकोणमिति सर्वसमीका पर। तो ये जो सर्वसमीका अपने पास है, सर्वसमीका आइडेंटिटीज, वो तीन सर्वसमीका है। फर्स्ट जो अभी लिखा था, पहले से पता है आप लोग को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ये पहला आइडेंटिटीज है। दूसरा आइडेंटिटीज है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में आपको यूज करना आना चाहिए ना, कि कहीं पर साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। तो ट्रांसफर करके भी फटाफट यूज़ करना आना चाहिए। मैं एक बात आप लोग को स्पेशली बोल दूँ, ट्रिग्नोमेट्री में अच्छा कमांड करने का पहला स्टेप है फार्मूला। आप फार्मूला रट डालो, फार्मूला इतना आपके बिल्कुल माइक्रो सेकंड में आपका फार्मूला आपके जुबान में आना चाहिए कि सर ये होता है, तो फिर पूछो मैं ट्रिग्नोमेट्री में कितना मजा आएगा। और लगभग कैलकुलस का भी यही नेचर है, ट्वेल्थ क्लास में दोनों सगे भाई हैं समझ लो आप। थर्ड नंबर है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास थ्री ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हैं, और अभी हमारे शुरुआत के पूरे क्वेश्चन इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज त्रिकोणमिति सर्वसमीका की सहायता से बनेंगे। अब यदि हम इसका प्रूफ देखें, तो प्रूफ इसका बहुत आसान है, एक आध को मैं करके बता देता हूँ, फर्स्ट को करके बता देता हूँ, बाकी आप कर लेंगे क्योंकि बहुत ही आसान है, एक मैं बता दूं। तो ये तीनों प्रूफ ये हैं पाइथागोरस के थ्योरम से। तो यहाँ पर यदि हम पाइथागोरस का थ्योरम लगाएं, तो अभी मैंने लिखा है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, चूंकि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हम जानते हैं पाइथागोरस के थ्योरम से। दैट इम्प्लाइज, अब आपको पता है कि इसके राइट हैंड साइड में आपको वन चाहिए, एक अकेला में जो पक्ष है वहाँ वन चाहिए, और यहाँ पर अकेले पक्ष में है ए सी का स्क्वायर। अब ए सी का स्क्वायर वन कैसे बनेगा, जब उसमें ए सी स्क्वायर का भाग हो जाएगा। तो पूरे इक्वेशन में हम क्या करते हैं, ए सी स्क्वायर का भाग कर देते हैं, ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, वन हो जाएगा, दैट इक्वल ए बी अपॉन ए सी। यहाँ पर देखो ए बी अपॉन ए सी, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ इसमें क्या रखा है, साइन स्क्वायर थीटा, और यह आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया प्रूफ। टाइम पास काम है, कुछ नहीं है। तो प्रूफ में कुछ नहीं रखा हुआ है, बस यहाँ पर इसका भाग दोगे, इसका भाग दोगे तो ये प्रूफ हो जाएगा, यहाँ इसको हटाना है इसका भाग दोगे, एक बार ए सी का भाग दे दो ये प्रूफ हो गया, एक बार पूरे समीकरण में ए बी का भाग दे दो ये प्रूफ हो जाएगा, एक बार पूरे समीकरण में बी सी का भाग दे दो तीसरा प्रूफ हो जाएगा। तो एक एक करके ए बी ए सी और बी सी का अपने को इसमें डिवाइड करना होता है, तो ये प्रूफ हो जाता है। तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, बस इतना ही फार्मूला है पहले एक्सरसाइज के लिए। हम लोग पूरे फार्मूला को इकट्ठा ना रट के, जैसे जैसे हम एक्सरसाइज में आगे बढ़ते जाएंगे, तो उस एक्सरसाइज के पहले जिस फार्मूला का ज़रूरत है उस तरह से पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। ऐसा नहीं कि पूरा एक जगह, हालांकि ट्रिग्नोमेट्री के पूरे फार्मूला का कलेक्शन आप एक जगह रखो, लेकिन चैप्टर में एंट्री करने के पहले उसमें जितना उस एक्सरसाइज में जितना फार्मूला यूज़ होगा उसी को हमको पहले लर्न करना है। शुरू में बैठ के सबको रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो एक्सरसाइज आएगा उसके पहले 5, 10, 6 जितना भी फार्मूला आएगा उसको पहले तैयार करो, फिर एक्सरसाइज में एंट्री करो। तो इतने फार्मूला के बेस पर हम जो क्वेश्चन बना सकते हैं उस पर हम एंट्री करते हैं, और उस पर एंट्री करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता दूं, वो है सर्वसमीका। ये जो सर्वसमीका है इसके सिद्ध करने के तरीके,
इसका मेथड कि हम सर्वसमिका कैसे सिद्ध करते हैं। सर्वसमिका सिद्ध करने के लिए हम सर्वसमिका सिद्ध करने के मेथड क्या है, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हम आसानी से उनको, मैं अभी आपको शुरुआत में डिस्कस किया कि त्रिकोणमिति में मेथड बहुत हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप ऐसा कौन सा तरीका अप्लाई करें कि आपका सॉल्यूशन कम स्टेप में बने और उसके साथ साथ वो इजी भी हो। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले इसके मेथड। तो सर्वसमिका प्रूफ कैसे किया जाता है, आपको गिवन रहेगा, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड रहेगा उसमें और रहेगा राइट हैंड साइड, ये क्वेश्चन आपको दिया रहेगा और उसको आपको प्रूफ करने के लिए बोलेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में से किसी एक पक्ष को लेके दूसरे पक्ष को लाना ही क्या होता है, आइडेंटिटी इसका प्रूफ कहलाता है, सर्वसमिका सिद्ध करना कहलाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको करना क्या चाहिए, अब सवाल ये उठता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में किस पक्ष को लें। लेफ्ट को लेके राइट भी लाया जा सकता है, राइट को लेके लेफ्ट भी लाया जा सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है दोनों में से किस साइड का चयन करें, सिलेक्शन ऑफ द साइड, कि हमारा काम आसान हो। तो इसको पहचानने का मैं देखो ये ऑब्जर्वेशन है, जो बातें मैं बता रहा हूँ कोई यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है कि ऐसा कोई मेथड है कि ऐसा ही करते हैं। मैं एक सुविधा के लिए अपने एक्सपीरियंस के बेस पर कुछ सुविधा के लिए, कहीं कहीं पर उन चीज़ों के अगेंस्ट भी काम करना पड़ता है अपने को। फिर उस समय आप ऐसा नहीं बोलना, सर आप तो बोले थे ऐसा लेकिन यहाँ पर तो आप ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं, कहीं कहीं पर हमको अपने डिसीजन चेंज करना होता है। लेकिन 95% केस में यही करना होगा जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो सिलेक्शन है उसका आधार यह है कि जो साइड, ठीक है, जो पक्ष क्या हो, बड़ा हो, जो पक्ष बड़ा हो वो लेना चाहिए। किस पक्ष को बड़ा हो, मतलब देखने में बड़ा हो, कई स्टेप हो, इतना अपान, इतना प्लस, ये वो, उसके बाद राइट हैंड साइड में छोटा सा एक चीज लिखा हुआ है, तो जो बड़ा हो वो पक्ष लेना चाहिए। क्यों, क्या तर्क है इसके पीछे, बड़ा को छोटा करना आसान है कि नहीं। मेरे पास कोई बड़ा चीज है उसको काट काट के छोटा कर दिया, बहुत आसान काम है, तोड़ फोड़ दिया, छोटा हो गया। लेकिन छोटा को बड़ा करना बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ पर भी वैसी बात होती है कि जो बड़ा पक्ष है, जो पक्ष बड़ा हो उसको लो और छोटे पक्ष को लाओ, ये आसान। कभी कभी दोनों पक्ष इक्वल दिखता है, कभी कभी दोनों पक्ष इक्वल दिखता है तो हमको कौन सा पक्ष को लेना चाहिए, दूसरा, समान होने के कंडीशन में, लगभग समान होने पर, लगभग समान होने पर हमको क्या करना चाहिए, समान होने पर इक्वल रहे थी दोनों हमको लगे कि इसमें तो किसको लें। तो आप वहां ध्यान रखो, जिस पक्ष में साइन कास है, जिस पक्ष में साइन कास थीटा है उनको मत लो, जिस पक्ष में सेक कोसेक टेन ये सब है उनको लो। क्यों, क्योंकि साइन को टेन सेक कोसेक बनाना कठिन है, लेकिन टेन को साइन कास बनाना बहुत आसान है, टेन को सीधा साइन अपान कास लिख दिए बन गया। तो फिर ये देखो कि किस पक्ष में साइन कास है और किस पक्ष में टेन कोसेक है, दोनों में है तो कोई दिक्कत नहीं। यदि दोनों पूरा बैलेंस है, साइज में बराबर है, दोनों तरफ सेक कोसेक है तो किसी को लो बनेगा वो। ठीक है, तो पहला काम क्या करना चाहिए, बड़ा पक्ष को लो। अच्छा, किसी भी बड़े पक्ष को लेने के बाद यदि कोई क्वेश्चन आपका नहीं बन रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों को मम्मी पापा में बदल दो और कुछ मत करो, मतलब सेक को वन अपान कास लिख दो, साइन को टेन को साइन अपान, सब जितना है साइन और कास को छोड़ के आपके संबंध में जितना कुछ है बिल्कुल आप सबको साइन कास में बदल दो, सरल कर दो, प्रूफ हो जाएगा, बहुत आसान है, बहुत मजा आता है, आपके पास टेक्निक होना चाहिए बस। तो साइन कास में बदलना बहुत हेल्पफुल होता है, ये ध्यान रखना। और तीसरा क्या होता है, कभी कभी हमको लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लाने में बहुत परेशानी होती है, बनता ही नहीं, ऐसी स्थिति आ जाती है कि प्रूफ ही नहीं होगा। तो उसके लिए एक ब्रह्मास्त्र है, ठीक है, ब्रह्मास्त्र मतलब जब कोई चीज़ काम ना आए, ब्रह्मास्त्र नाम सुना है ना महाभारत में, रामायण में ब्रह्मास्त्र सुना होगा, उसका यूज़ कब करते हैं, जब कुछ भी नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर भी एक ब्रह्मास्त्र है, जब लेफ्ट से राइट नहीं आ रहा है, राइट से लेफ्ट नहीं आ रहा है, परेशान है, नहीं बन रहा है, तब इसका यूज़ करो, हमेशा इसका यूज़ मत करना। और वो है लेफ्ट हैंड साइड को लो, लेफ्ट हैंड साइड को लेके कुछ वैल्यू निकाल लो, क्लियर। ये सपोज इसको निकाला मैं, एक्स आ गया, मतलब कुछ भी ले आया, लेफ्ट हैंड साइड को लेके एक वैल्यू निकाल लिया, सपोज ये ए आ गया। इसके बाद राइट हैंड साइड को भी लो और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करके ए लाने की कोशिश करो, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड का सरलतम लूप,
सिंपलेस्ट फॉर्म में जो आया था वह ला के छोड़ दो, इसको दे दो रिलेशन नंबर फर्स्ट, और राइट हैंड साइड को भी लेके ले आओ, उसको दे दो रिलेशन नंबर सेकंड। फिर आप देखोगे कि चूंकि लेफ्ट हैंड साइड भी ए है, राइट हैंड साइड भी ए है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वह राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ये तीन तरीका आप अपनाओ, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। बाकी तो मैं हूँ, फिर अभी आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। जो क्वेश्चन डिफिकल्ट है, दिक्कत है, वो सब आपको करा दूंगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। कभी कोई क्वेश्चन आपसे ना बने तो आप कमेंट्स में लिख देना, बता दूंगा, ठीक। हालांकि मैं कोई पर्टिकुलर राइटर के बुक्स नहीं पढ़ाता, मेरा अपना कलेक्शन है, उसमें कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के होंगे, आरडी शर्मा के होंगे, आरएस अग्रवाल के होंगे, मंजीत सिंह के होंगे, बहुत सारे राइटर्स के बुक हैं मेरे पास, तो वहाँ से कलेक्शन मेरे को अपने हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि आप जो भी राइटर कंसल्ट करते होंगे, जो भी फेमस राइटर आप कंसल्ट करते होंगे, तो आपको उस क्वेश्चन को उस बुक में मिलेगा जो मैं पढ़ाऊंगा। क्योंकि जो यूनिवर्सल क्वेश्चन है, जो बहुत डिफिकल्ट हैं, अलग टाइप के हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन 90% राइटर ने अपने बुक में उसको सेलेक्ट किया है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि बुक्स के पीछे मत भागो, आपके पास जो बुक है उसको ईमानदारी से करो। कई स्टूडेंट बुक्स कलेक्शन करने पर इंटरेस्ट रखते हैं, टीचर से पूछे, किसी से पूछे, कोई बताया ये ले लिया वो ले लिया, पढ़ा किसको किसी को नहीं, बकवास है। एक बुक रखो, पूरा जान लगा के पढ़ो। जिस दिन वो बुक 100% हो जाएगा, फिर आप नए के लिए सोचना कि भाई इसका तो सब कुछ मेरे से बन जाता है, थोड़ा अलग लेवल में जाना चाहिए। लेकिन हम एक ही बुक ढंग से नहीं किए रहते और इधर उधर भागते रहते हैं, तो ऐसा भटकाव अच्छा नहीं है। एक बुक लो, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, हो जाएगा। और एक बुक जरूर अपने प्रैक्टिस में शामिल करो, वो एनसीईआरटी का बुक। मैं हर क्लास में, मैथ्स में भी, फिजिक्स में भी, हर स्टूडेंट को एक बात सजेस्ट करता हूँ कि आपके पास पूरी लाइब्रेरी हो बुक्स की, लेकिन एनसीईआरटी का बुक नहीं है तो आपकी लाइब्रेरी अधूरी है। इसलिए आप एनसीईआरटी का बुक अपने सभी सब्जेक्ट में शामिल करो, उसके बहुत लॉन्ग टर्म्स बेनिफिट हैं, बहुत आगे चल के उसका फ़ायदा है। ये आप धीरे धीरे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन में जाओ, ये आपको समझ में आएगा। तो ये आदत आप अभी से डालो, चाहे जिस बोर्ड के आप स्टूडेंट हैं, आप चाहे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, झारखंड, महाराष्ट्र बोर्ड, गुजरात बोर्ड, कहीं के भी हैं, छत्तीसगढ़ बोर्ड, कहीं एनसीईआरटी जरूर पढ़ो आप, क्लियर। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये तो मैं बता दिया पूरा बेसिक, कुछ क्वेश्चन लेके हम आज बात करते हैं। आज मैं कुछ क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा तो वहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आज के क्लास में तो मुझे बेसिक फंडामेंटल पर बात करना था। आप इतने दिन से मेरे क्लास अटेंड कर रहे हैं, मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं, आपको पता है कि जब मैं कोई न्यू टॉपिक इंट्रोड्यूस करता हूँ तो पहला दिन का मेरा क्लास होता है वो बेसिकली बेसिक चीज़ों पर होता है, और वही सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास होता है, क्योंकि यदि आगे हमको को पढ़ना है उसका शुरुआत बेस अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चलिए तो हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, कुछ सामान्य से क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिस। तो एक क्वेश्चन लिया मैं यहाँ पर प्रूफ करने के लिए, बहुत सामान्य क्वेश्चन तो आपने 10th लेवल में किया हो, सब आप कर सकते हैं। मैं स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन पर ही आता हूँ सीधा, ठीक है। जैसे रूट ऑफ 1 - sin θ, सब क्वेश्चन आइडेंटिटी प्रूफ करना है ना, 1 - sin θ / 1 + cos θ, ये है इक्वल टू, हमको प्रूफ करना है sec θ - tan θ, ये हमको प्रूफ करना है, क्लियर। अब यहाँ पर देखो, साइड सेलेक्ट करने की बात है तो नेचुरली आपको दिख रहा है कि ये बड़ा पक्ष है, इसमें 2 टर्म्स हैं, इसमें 1, 2, 3, 4 टर्म्स हैं, और ऐसे भी रूट को सॉल्व होकर किए ला सकते हैं। इसमें रूट पैदा करना कठिन है, रूट को हटाना आसान है, रूट बनाना कठिन है। तो नेचुरली यहाँ दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड को लेना चाहिए, तो हमने यहाँ पर ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, तो दैट इक्वल लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे अपन तो हो जाएगा रूट। कभी भी अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू हो तो रूट से बाहर कैसे निकलता है, वो रूट से बाहर निकलने का एक ही कॉन्सेप्ट है कि अंदर में होल स्क्वायर बनाओ, और अंदर में होल स्क्वायर बनाने का तरीका है उसका परमेयीकरण करो, रेशनलाइज करो, ठीक है। तो देखने से ही आपको समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन है ये, 1 - sin θ / 1 + cos θ ✕ अब इसको रेशनलाइज करें तो इसका अपोजिट साइन यूज करेंगे, तो 1 - cos θ / 1 - cos θ, क्लियर। इसका अपोजिट साइन, 1 - cos θ मल्टीप्लाई किया, ये किया, दैट इक्वल, अब रूट आप समझ गए होंगे, 1 - sin θ / 1 - cos θ, इसको दोनों को हम यदि यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो,
वन माइनस साइन थीटा, यहाँ पर क्वेश्चन गलत लिखा रखता है, वन माइनस, हाँ तभी तो मैं सोच रहा है क्या गड़बड़ हो रहा है, वन प्लस साइन थीटा। अभी देख के मुझे लगा है कैसे प्रूफ हो पाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं था, दोनों साइन है, एक माइनस एक प्लस, तो वन प्लस साइन थीटा और ये हो जाएगा अब वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा। क्लियर, वन माइनस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा। अब मैं डायरेक्ट लिख दूँ इसको, चलो एक बार लिख दें, अभी शुरुआत है। वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया और अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, नेचुरली अब आपको दिख रहा है कि ये रूट से बाहर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था लेकिन मैं लिया, इजी से स्टार्ट करते हैं। ये कॉस स्क्वायर थीटा है जो कि हो जाएगा कॉस थीटा। अब दोनों में अलग अलग इसको डिवाइड कर दें, वन में कॉस थीटा कर दें, तो वन अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इक्वल, ये हो गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा दैट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूफ। एक आगे समझ, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं इसमें। एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे शेयर करनी है, वो ये है, देखो ध्यान से सुनना, ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन बहुत हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, इसकी कोई सीमा नहीं है। ये हमारा ऑनलाइन क्लास है, आप हमारे वीडियो से पढ़ रहे हैं, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं ऑनलाइन क्लास में उसी स्टैंडर्ड का आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा सकूं जो मेरे ऑफलाइन क्लास में करता हूं। आप सबको पता है कि बेसिकली मेरा कोचिंग क्लास है, कोचिंग क्लास का टीचर हूं मैं, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन से मेरा एक वेल स्टेब्लिश कोचिंग है। लेकिन मैंने अभी ये जो सिचुएशन चला कोरोना का, इस कारण से मैंने ऑनलाइन में क्लास लेना शुरू किया और मेरे दिमाग में बात आया कि ऐसे क्रूशियल कंडीशन में सब बच्चों को हेल्प करना चाहिए, और मैं फिर यूट्यूब के माध्यम से आया। बहुत शॉर्ट टाइम हुए हैं मेरे को, बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ है। तो एक चीज़ मैं जो हमेशा क्लास में महसूस करता हूँ वो ये है कि ऑफलाइन क्लास में बहुत से स्टूडेंट हमारे सामने बैठे होते हैं, उनसे हमारा प्रॉपर फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है और वो बराबर पूछ देते हैं कि सर ये कैसे हुआ, अभी यहाँ पर मैं गलत क्वेश्चन लिख लिया था धोखे से तो उसको लिख नहीं पाया रहता, चार स्टूडेंट खड़े होकर सर ऐसा नहीं है, ये सर गलत है, ऐसा बोलते। आप लोग में भी कई लोग को लिखते ही लगा होगा सर तो गलत लिख लिया कैसे प्रूफ होगा, लेकिन मुझे पता नहीं चला। ये एक बेसिक प्रॉब्लम है इस क्लास में। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप बहुत से आपके मन में जिज्ञासा होती है कि सर ये कैसे हुआ, सर सेवन नहीं बना, सर थर्टीन नहीं बना, सर सेवनटीन को बहुत बार बनाए सर बना नहीं। लेकिन ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन क्लास में इस सुविधा से आप थोड़ा वंचित हो जाते हैं। लाइव क्लास में उसको मैनेज करते हैं फिर भी उतना नहीं होता, तो उसका मैं आपको उपाय बता रहा हूँ कि आप इजी क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री में जो क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं जो सामान्य हैं उनको खुद से करो, प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, और मुझको छोड़ दो थोड़ा डिफिकल्ट और स्टैंडर्ड क्वेश्चन के लिए। इससे होगा क्या कि हम पूरे को कर पाएंगे। और इस बात की चिंता मत करो कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है। मेरा इतना लंबा एक्सपीरियंस है कि मैं क्लास में, अपने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाने से पहले स्टूडेंट को बता देता हूँ ये 7.2 एक्सरसाइज आपका होमवर्क है, कल करके आना, और इसमें ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। क्यों, इतने लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन का नेचर मुझे पता है। इस चीज़ को मैं ऑनलाइन क्लास में आपके साथ अप्लाई करूँगा कि जितने क्वेश्चन मैंने अपने एक्सपीरियंस से आइडेंटिफाई किया है कि ये क्वेश्चन नहीं बन पाते। अभी 12th क्लास का कैलकुलस मेरा चल रहा है, वहाँ पर इस बात को मैं अप्लाई करता हूँ, तो वही चीज़ मैं आपके 11th क्लास में अप्लाई करूँगा कि जो चीज़ मुझे गेस हो चुका है कि यह डिफ़िकल्ट है क्वेश्चन, उनको मैं कराऊँगा। तो आप ऐसा मत समझना कि सर तो बहुत उटपटांग टाइप के बस क्वेश्चन को बता रहे हैं, ईजी को आप करो, एवरेज और एवरेज प्लस, मैं एवरेज ही बताऊँगा, ऐसा नहीं कि सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, फिर कुछ बच्चे परेशान हो जा रहे होंगे सर आप डिफ़िकल्ट, एवरेज भी मैं कवर, लेकिन जो ईजी क्वेश्चन है, जैसे इसको मैं ईजी क्वेश्चन मानता हूँ, फिर भी मैं इसको क्यों बताया, शुरुआत है और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा अपन ईजी से स्टार्ट करें, ठीक है। तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ेंगे, तो ईजी आप कर लोगे और थोड़ा डिफिकल्ट और थोड़ा मीडियम लेवल का क्वेश्चन को मैं करा दूंगा, हम 100% तैयार हो जाएंगे। तो ये आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है, और इस सिस्टम से हम चलेंगे तो हम ऑनलाइन क्लास में भी ऑफलाइन के जैसे या उसके से बेहतर भी कर सकते हैं, थोड़ा आपको अपना एफर्ट लगाना होगा। क्लियर, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत लंबा सिलेबस है, बहुत सारा पढ़ना है अपने को, और इस तरह से आप कोऑपरेट करोगे तो हम जल्दी कर पाएंगे। चलिए, तो मैं अभी इमीडिएट अब इतनी बात किया आपसे और एक अच्छे क्वेश्चन पर आता हूँ जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हर राइटर में क्वेश्चन मिलेगा और बहुत से राइटर ने इस क्वेश्चन को बहुत लेंदी तरीके से भी बनाया है।
ठीक है, मैं जैसा आपसे अभी डिस्कस करूं, चलो क्वेश्चन को लेके आता हूं, फिर बात करेंगे अपन। देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 10a प्लस sec a माइनस वन, 10a प्लस sec a माइनस वन। कई लोग को यदि प्रैक्टिस कर रहे होंगे, पहले से पढ़े होंगे, तो तुरंत ध्यान में आ गया होगा कि हाँ सर ये क्वेश्चन तो नहीं बनता है या डिफिकल्ट है। अपॉन 10a माइनस sec a प्लस वन, 10a प्लस sec a प्लस वन, और इक्वल हमको यहाँ पर तीन रिलेशन प्रूफ करना है। एक है 1 प्लस साइन ए अपन कास ए, 1 प्लस साइन ए अपन कास ए, और दैट इक्वल, इसके इक्वल हमको और प्रूफ करना है sec a प्लस टेन ए, sec a प्लस टेन ए, ये प्रूफ करना है। अब देखो जब तीन रिलेशन प्रूफ करना होता है तो ऐसा कोई टेंशन मत लेना कि सर कैसे होगा, आप इसको लेके ये ले आओ, इसको लेके ये ले आओ, इसको लेके ये ले आओ, कोई भी दो आपस में आ गया तो तीनों आपस में बराबर हो जाते हैं, ठीक है, तो वो तो अलग मैटर है। सबसे पहले हम नेचुरली इसको लें, तो चाहे वो आए चाहे वो आए बाद में देखा जाएगा, लेकिन इसको लेना बेहतर है क्योंकि ये बड़ा पक्ष है, ये तो आप समझ में आ गया, तो हम ले लेते हैं ये। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें तीन साइड है, माइनस वन अपॉन टेन ए प्लस sec a प्लस वन, टेन ए प्लस sec a ना, tan a माइनस, क्या क्वेश्चन को गलत लिख रहा हूँ, पर ये माइनस, ये माइनस, पढ़ाने के धुन में वो ध्यान से उतर जाता है, ये हो गया। तो tan a प्लस sec a माइनस वन अपॉन tan a माइनस sec a प्लस वन। अब इसको ले लो, साइड वाइड मत लिखो, इसको ले लो और इसको सॉल्व करके वैल्यूज फाइंड करो, या तो ये ले आओ या तो ये ले आओ, दोनों में से कोई आ जाए। अब जब इसको हम बनाना शुरू करेंगे तो नेचुरली यहाँ पर मैंने देखा है कि बहुत से राइटर्स या बहुत से स्टूडेंट्स मैं देखता हूँ कि यहाँ पर वो रेशनलाइज करते हैं, इसके अपोजिट साइन को लेके इसको रेशनलाइज करते हैं, लेकिन यहाँ रेशनलाइज करने से, परमेयीकरण करने से ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है। तो यहाँ पर जो एक स्पेशल ट्रिक्स अप्लाई करना पड़ता है वो वन के लिए करना पड़ता है। देखो कभी कभी हमको फार्मूला को, इसको नीचे को कुछ नहीं करना है, इसको रहने दो, कभी कभी फार्मूला को हमको बहुत अजीब कंडीशन में यूज़ करना होता है। कैसे, हमको मालूम है अभी हमने पढ़ा है कि sec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इक्वल वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमने पढ़ा है। अब टेन को मैं इधर ले आऊँ तो यह हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। इसके जगह वन लिखना तो समझ में आता है, मज़ा आता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन, फट से वन लिख दिए, लेकिन कभी कभी उल्टा काम भी करना पड़ता है, वन को इतना भी लिखना पड़ता है। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन का सिलेक्शन किया। मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ कि मैं जो क्वेश्चन लूँगा वो एक स्पेशल पर्पस के लिए लूँगा, एक स्पेशल कनेक्शन होगा वो। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर वन, तो वन को हम इतना लिख सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ से हम ये जो वन लिखे हैं उसको उस फॉर्म में चेंज करते हैं, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखो अभी हमारा क्वेश्चन हो जाएगा tan a माइनस sec a, और माइनस चूंकि सामने माइनस है तो मैं ब्रैकेट लगा के लिख रहा हूँ इसको, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये क्लियर। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, तो इस वन को मैंने लिख दिया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और अपान में कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, इसी को कॉपी, अपान को तो टच भी नहीं करना है, tan a माइनस sec a प्लस वन, क्लियर, दैट इक्वल। अब ध्यान दो यहाँ पर, ये हो गया tan a माइनस sec a, और यहाँ पर देखो माइनस, इसको हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा sec a माइनस tan a, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा sec a प्लस tan a, ये दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा, और अपान अपान यही रहने दो इसको, tan a माइनस sec a प्लस वन, दैट इक्वल। अब यहाँ पर ध्यान देना, देखो दोनों से, दोनों ब्रैकेट से tan a माइनस sec a, और यहाँ भी tan a माइनस sec a हो जाएगा ये, क्यों, यहाँ से यदि मैं माइनस को कॉमन करूँ, यदि यहाँ से मैं माइनस को कॉमन कर लूँ तो ये भी tan a माइनस sec a हो जाएगा, तो tan a माइनस sec a क्या करते हैं, ऊपर से कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, या sec a प्लस, एक मिनट ना,
ओहो, आज प्लस माइनस का क्या चक्कर चल रहा है मेरा। यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर मैंने लिख दिया माइनस, और कहीं तो नहीं कर लिया। ठीक है, ये प्लस होगा। तभी मैं प्रूफ को देख रहा था कि भाई प्लस आना है, से के प्लस टेन ए प्लस आना है, और यहाँ पर से के प्लस टेन ए कॉमन होना चाहिए। चलो ठीक है, यहाँ पर करेक्शन कर लिया मैंने। ठीक है, अब देखो यहाँ पर टेन ए प्लस से के और ये टेन ए प्लस से के दोनों में से कॉमन हो जाएगा, उसको बाहर निकाल के रख लिख दूँ मैं, तो ये हो जाएगा टेन ए प्लस सेक ए, या सेक ए प्लस टेन ए भी लिख सकते हो ना, ऐसा नहीं समझ। यहाँ तो सेक पहले है, प्लस में कम्यूटेटिव होता है, और यहाँ से हो जाएगा वन माइनस। अब माइनस यहाँ पर होगा और इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस ये तो कॉमन हो चुका है, तो माइनस सेक ए हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, प्लस टेन ए, क्लियर। और अपन ये नीचे लिखा है देखो, टेन ए माइनस सेक ए और प्लस वन। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि टेन ए, ये टेन ए माइनस सेक ए और प्लस वन, बस वो आगे पीछे इतना आप समझ सकते हो। तो पूरी क्वांटिटी क्या है, इक्वल है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे और हमको मिल जाएगा ये दैट इक्वल टू टेन ए प्लस सेक ए, ये रिलेशन नंबर फर्स्ट, ये मिल गया। तो अभी हमने ये लेके ये निकाल लिया, तो कितना आसान हो गया देखो, वन टू थ्री फोर, फिफ्थ स्टेप में प्रूफ है। ये क्वेश्चन में भी ये ट्रिक्स ना अपनाया जाए तो ये क्वेश्चन बहुत लेंदी बनता है, मुझे मालूम है, बहुत स्टूडेंट इसमें परेशान होते हैं, नहीं बनता, मुझसे पूछते ही हैं जनरली, या नहीं बना करके या लेंदी बना लेते हैं, कई बार स्टूडेंट बना लेते हैं लेकिन बहुत बड़ा बना लेते हैं। अब देखो, इसके बाद हमको ये लेके ये आना है, ये लेके ये लाना है, ये लेके ये लाने में डिफिकल्ट, लेकिन उसको लेके ये लाना आसान है, तो हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू, इसको अब तो आप समझ रहे होंगे, इसको लिख दो वन अपान कास ए प्लस, इसको लिख दो साइन ए अपान कास ए, दैट इक्वल, यहाँ से क्या होगा, कास ए एलसीएम हो जाएगा। तो ये तो दो लाइन का काम था, ये हो जाएगा रिलेशन नंबर सेकेंड, ए आ गया। अब इतना इक्वल टू इतना और इतना इक्वल टू इतना, इसलिए तीनों प्रूफ हो गए। तो लास्ट में हम ऐसा लिखते हैं, देयर फॉर फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड से हम क्या कर सकते हैं करके पूरे क्वेश्चन के यहाँ पर लिख देना, और ये हो जाएगा प्रूफ। तो तीन रिलेशन वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं लेना है, तीन रिलेशन वाला जितना भी है उसमें एक के ले को दूसरा लाओ और किसी और को लेकर तीसरे को ले आओ, दोनों में से किसी एक के ले को तीसरे को ले आओ, तो प्रूफ हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको ढंग से तैयार करना है। ठीक है, अब इसी का सिमिलर में एक और, ठीक है, कंपेरेटिव, कंपेरेटिव इसी का सिमिलर में एक को आप क्वेश्चन और बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आपके दिमाग में बात बैठ गया कि ऐसा जो वन होता है उसको हमको ऐसा बदल देना चाहिए, लेकिन कई जगह ये कॉन्सेप्ट फेलियर हो जाएगा। कहाँ पर फेलियर हो जाएगा, जहाँ पर ये फैक्टराइज कॉन्सेप्ट को ध्यान समझना, कभी भी एक क्वेश्चन तैयार नहीं करना है, चीज़ों को समझना है। यहाँ पर क्यों काम कर रहा, क्योंकि माइनस में रिलेशन था, तो ये दोनों क्या हो गया, इस तरह से दो पार्ट में फैक्टराइज हो गए, गुणनखंड टूट गया। आप इमेजिन करो कि ये संबंध यदि प्लस में रहता तो लेके बैठ जाओ, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी होता है, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फैक्टराइज नहीं होता, तो काम खत्म हो गया। तो हर जगह हर चीज़ को अप्लाई नहीं करना है। अब भी मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूँ जिसमें बताता हूँ कि आप इस तरह का यदि मेथड अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर यह गड़बड़ हो जाएगा। तो सिचुएशन देख के काम करना है, कहीं पर माइनस रहेगा तभी वन को ऐसा लिखना है, प्लस आने पर नहीं लिखना है। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराता हूं, ठीक है। ओके, हो गया। चलिए अब इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन लेता हूं और उसको बताता हूं कि उसको किस तरीके से बनाएंगे, जहां पर परिमेयीकरण करना हमारी बाध्यता हो जाएगी, उसके बिना हम उसको बना ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो दो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन इसीलिए मैं ले रहा हूँ ताकि मैं आपको तुलनात्मक पढ़ा सकूँ, कंपेरेटिवली आपको बता सकूँ कि कैसा होता है। तो ये क्वेश्चन है देखो, वन प्लस कास थीटा प्लस साइन थीटा, वन प्लस कास थीटा प्लस साइन थीटा अपन अपन
वन प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, वन प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, दैट इक्वल, इसके इक्वल हमको प्रूफ करना है वन प्लस साइन थीटा अपन कॉस थीटा, वन प्लस एक ही चीज प्रूफ करना है वन प्लस साइन थीटा अपन कॉस थीटा, ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब यहाँ समस्या देख रहे हो, इस पैटर्न का क्वेश्चन तो सर बताए थे, ऐसा करके फटाफट लिए और वन को लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वन को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, माइनस इतना लिख सकते हो, तो बनेगा नहीं बनेगा, ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो यहाँ वन कोई काम का नहीं है, ये वन को वन रहने दो, यहाँ काम नहीं आएगा, इसीलिए मैं क्वेश्चन को इमीडिएट इसको लिया। मतलब मेरा पूरा पढ़ाने का पैटर्न ऐसी है कि एक क्वेश्चन के बाद उससे रिलेटेड यदि कोई कॉन्सेप्ट हो तो इमीडिएट उसको क्लियर करो, अदरवाइज फिर आप भटकोगे, ये क्वेश्चन मिल जाए तो ऐसा करना शुरू कर दिए, तो तुलनात्मक स्टडी बेटर होता है। चलो फिर क्या करेंगे यहाँ पर, अब एक ही उपाय है अपने पास, यहाँ पर तो आप लेफ्ट हैंड साइड को लो, इसको ले लो वन प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पर अब आपके पास उपाय है रेशनलाइज करने का, परमेयीकरण करने का, और परमेयीकरण कैसे करें अपन, वन प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसका प्लस साइन का हर का परमेयीकरण करेंगे, तो क्या लिखेंगे अपन, ये वन प्लस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा और अपॉन वन प्लस कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा, ऐसा करो, इसको इस तरह से एक पेयर बना लो, क्लियर। अब क्या हो जाएगा, अब आसान है, अब काम देखो, इसको तो आप अभी ऐसे ही रहने दो, वन प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, वन प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो क्या लिख सकते हैं उसको अपन, वन प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों, ए प्लस बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वन प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, और नीचे में क्या लिख सकते हैं अपन, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर यहाँ तक। अब इसको हम एक्सपांड कर दें ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो हो जाएगा वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू वन प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान, इसका भी विस्तार कर दें, तो वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू कॉस थीटा, क्लियर, और ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या एक काम करो, नीचे को रहने दें ऐसी, हमको नीचे में लाना है क्या कॉस थीटा, ठीक है नीचे में लाना है कॉस थीटा, प्रूफ करें मैं नीचे में कॉस थीटा लाना है, तो वन प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी लिखे दिए अपन इसको, तो ऐसी का ऐसी रहेगा, ठीक है चलो ठीक है, आगे देखते हैं अपन इसको, उसके बाद नीचे में कोई भी वर्क करेंगे, चलो ऐसी रहने दिया इसको। अब इसको मैं कंप्लीट एक्सपांड कर रहा हूँ ऊपर को, और आसानी से आ सकता है क्या, नहीं आएगा, चलो आपस में मल्टीप्लाई करो इसको, तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ओ आज तो मैं पूरे क्लास में डिटरमाइन करके आया हूँ कि प्लस को माइनस लिखूंगा ही, इसको रेशनलाइज किया माइनस का प्लस और नीचे में लिख दिया माइनस हर क्वेश्चन में प्लस माइनस, देखो यहाँ पर प्लस है तो ये भी प्लस होगा ना, तब तो इसका दोनों कैंसिल आउट होंगे, नीचे में प्लस होगा भाई, नीचे में प्लस होगा वन प्लस कॉस थीटा, हाँ यहाँ सही कर लिया है मैंने, तो वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ मिस्टेक किया था करेक्शन कर लेना, और माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये इसका एक्सपांसन प्लस वन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस थीटा टू ए बी माइनस साइन स्क्वायर थीटा, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर हमको सॉल्व करना है न्यूमरेटर को सॉल्व करना है, चलो करो इसको होल स्क्वायर करो, वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लेंदी है पोर्शन,
वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस थीटा, ये भी विस्तार किया। अब टू को मल्टीप्लाई करो, टू प्लस टू कॉस थीटा, टू प्लस टू कॉस थीटा, और साइन थीटा का भी मल्टीप्लाई होगा इसके साथ में, दोनों को एक साथ करते हैं, टू का भी साइन थीटा का, तो टू साइन थीटा, टू साइन थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा, और प्लस ये है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और अपान में कुछ मत करो, कुछ भी तो नहीं हो रहा है ये, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, ये वन को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और ये कॉस स्क्वायर के साथ थीटा के साथ में ऐड हो जाएगा, इतना डायरेक्ट लिख दूँ ना, ये दोनों मिलकर हुए कॉस स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस थीटा, दैट इक्वल। अब ऊपर क्या क्या होने वाला है देखो, ये वन और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी वन बनेगा, और वन प्लस वन हो जाएंगे टू, क्लियर। इसके बाद टू कॉस थीटा प्लस टू साइन थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो वहां से अपन कॉमन कर लें, टू कॉस थीटा प्लस टू साइन थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा, कहीं मिस्टेक किया क्या मैंने, एक बार चेक करता हूँ। चलो टू को कॉमन तो करूँ पहले मैं, यह दोनों टू हो गए, अब ये हो जाएगा टू, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपान, यहाँ से मैं कॉमन करूँ टू कॉस थीटा को, टू कॉस थीटा, तो हो जाएगा वन प्लस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा, ठीक है, दैट इक्वल। वन प्लस कॉस थीटा, ठीक है, क्वेश्चन तो सही लिखा था ना मैंने, क्वेश्चन तो सही लिखा था, ठीक, उसको फैक्टराइज करेंगे तो बनेगा, थोड़ा सा लास्ट का एडजस्टमेंट डिफिकल्ट हो जाएगा इसमें, है ना। चलिए ठीक है, अब हम ऊपर से टू कॉमन करते हैं, ऊपर से टू कॉमन किया और वन प्लस कॉस थीटा लाना है, नीचे में लाना है, ठीक, दोनों में से टू कॉमन किया तो ये हो गया वन प्लस, यहाँ ध्यान देना, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा आगे, ये वन हो गया, टू कॉमन हो गया, तो अंदर क्या क्या बचेगा, ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, थोड़ा पेयरिंग करना इसमें दिमाग लगाने वाला काम है, ये है टू कॉस थीटा और वन प्लस कॉस थीटा, दैट इक्वल, ये टू टू कैंसिल आउट हो गया। अब अंदर में ध्यान देना, इन दोनों में से वही कर लेना था वैसे, इन दोनों में मैं क्या कर रहा हूँ, साइन थीटा को कॉमन कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा वन प्लस कॉस थीटा और प्लस, इसमें मैं साइन थीटा कॉमन करूँ तो साइन थीटा कॉमन करने से क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, और अपान ये कॉस थीटा और वन प्लस कॉस थीटा। अब आप समझ गए होंगे क्या होने वाला है यहाँ पर, ये वन प्लस कॉस थीटा, ये वन प्लस कॉस थीटा और ये वन प्लस कॉस थीटा अपन कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, तो यहीं पर लिख रहा हूँ ध्यान देना, ये वन प्लस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा कॉमन होगा, तो वन प्लस कॉस थीटा कॉमन किया, और अंडर ब्रैकेट यहाँ से क्या बचेगा, वन, यहाँ से बचेगा क्या, साइन थीटा, और अपान में क्या है, अपान में है कॉस थीटा और वन प्लस कॉस थीटा। रेशनलाइज करने के बाद इसमें एडजस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा है, तो ये दोनों को हम कैंसल आउट करा दिए, किसको, वन प्लस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा को, तो क्या बच गया अपने पास, अंश में बच गया वन प्लस साइन थीटा और हर में बच गया कॉस थीटा, यही है राइट हैंड साइड, देखो वन प्लस साइन थीटा अपन कॉस थीटा, ठीक है। एक आध बार मैंने प्लस को माइनस करे, थोड़ा ध्यान देना, वो हड़बड़ी में ऐसा हो गया, तो ये हो गया। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, देखो ये ब्रैकेट ओपन होने के बाद, ब्रैकेट होने ओपन होने के बाद ये जो स्टेप आएगा, इस स्टेप को फिर पेयरिंग करना है बराबर,
तो 1 प्लस कास थीटा ला के नीचे 1 प्लस कास थीटा के साथ में कैंसिल कराना है, तभी यहाँ कास थीटा बचेगा। बराबर आपको प्रूफ करने वाले को देखते रहना है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे पहले बताया दोनों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें खास बात क्या बताया, दोनों में मैं एक जगह 1 को हम sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखते हैं, और इस क्वेश्चन में सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, वो tan और sec पर है, ये sin और cos पर है, लेकिन हम यहाँ पर 1 को नहीं लिख सकते, ये दोनों में माइंड करना है, अदरवाइज हम कन्फ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर हमको क्या करना है, इसको परिमेयीकरण करना है, इसके अपोजिट साइन का यहाँ पर माइनस है, तो प्लस लगा के हमने इसको रेशनलाइज किया, ठीक है। तो इस तरह से ये दो क्वेश्चन मैंने जो बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज का बेसिकली आज का जो मेरा क्लास था वो कंप्लीट इस बात पर बेस्ड था कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक का फाउंडेशन आपको प्रॉपर इंट्रोड्यूस कराएं। नेक्स्ट क्लास में हम ओनली क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और इसी तरह के बहुत से क्वेश्चन लेके आएंगे जो डिफ़िकल्ट है, और आपको फिर जाते जाते लास्ट में एक सजेशन दे दूं कि इजी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप जारी रखिए, ताकि आप उसको अच्छे से कर सको। ओके, थैंक यू।